गाइज आप में से बहुत सारे बंदों को लगता होगा ये जो आईडी है वो अज्जू भाई की फर्स्ट आईडी है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आप लोगों से बोलूं ये आईडी टोटल गेमिंग की फर्स्ट आईडी नहीं है, बल्कि उनकी फर्स्ट आईडी के बारे में तो 99% प्लेयर्स को नहीं पता। लेकिन अगर आप लोग अज्जू भाई की फर्स्ट आईडी सच में देखना चाहते हो तो आज की वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। So, hey, what's up, guys? Welcome back to the video. तो guys, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सर्च करने वाले हैं फ्री फायर के ओल्ड प्लेयर्स की आईडी इन 2023। तो guys, आज मेरे पास है फ्री फायर का बहुत पुराना गेम प्ले। तो guys, आज की वीडियो के अंदर हम लोग फ्री फायर का पुराना गेम प्ले देखने वाले हैं। और उसके अंदर हमें जितने भी प्लेयर्स की आईडी मिली है तो आईडी स्कॉपी ग्राम में हम लोग सर्च करके देखने वाले हैं क्या वो बंदे अभी तक फ्री फायर को खेलते हैं, और अगर हाँ तो क्या उनके पास कोई रेयर बंडल है लाइक गोल्डन हिप हॉप बंडल और गोल्डन सकुरा बंडल, या फिर उन लोगों ने फ्री फायर को बस मजे के लिए डाउनलोड करा था दो चार दिन खेलने के बाद ही डिलीट कर दिया। और guys, जैसे कि आपको पता है हमारी हर वीडियो के अंदर होता है स्पेशल गेस्ट। तो guys, आज की वीडियो के अंदर हमारा स्पेशल गेस्ट होने वाला टोटल गेमिंग यानी कि अज्जू भाई। मतलब कि गाइस आज मैं आपको दिखाऊंगा 2017 का अज्जू भाई वर्सेस 2023 का अज्जू भाई। तो गाइस क्या आप लोग गेस कर सकते हो क्या आखिरकार 2017 में टोटल गेमिंग का गेम प्ले कैसा होगा? क्या वो उस टाइम पर भी सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते थे, और क्या वो उस टाइम पर भी हेडशॉट मारते थे, या फिर उस टाइम पर उनसे बिल्कुल भी खेलना नहीं आता था और वो नूब थे? अब ये तो पता चलेगा आपको आज की इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो फिर हम लोग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाइस उससे पहले मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस आपका एक सब्सक्राइब हमारी मदद कर सकता है 3 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचने में। तो अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। और चलो अभी हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को सीधा स्टार्ट कर लेते हैं हमारे क्लिप नंबर 1 के साथ। गाइस अभी आप लोग हमारा फर्स्ट क्लिप देख सकते हो, और देख सकते हो भाई उस टाइम पे जो हमारा पुराना फ्री फायर था ना वो कुछ ऐसा दिखता था। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो ये जो हमारा सीजन 1 वाले प्लेयर थे इसको किसी बंदे ने मार दिया। तो जिस बंदे ने इनको मारा था उसकी आईडी हमें मिल गई थी। तो यहां पर आप लोग इस बंदे की आईडी देख सकते हो, उस टाइम पर इस बंदे का लेवल था 52। इसके अलावा इस बंदे के पास कोई भी अच्छी ड्रेस वगैरह नहीं थी। लेकिन चलो फिर भी हम लोग एक बार आईडी को सर्च कर देखते हैं कि अभी इस बंदे की आईडी कैसी हो गई। तो गाइस जैसे इस बंदे की आईडी में सर्च करता हूं तो यहां पर आपको देखने मिलेगा ये बंदा कुछ टाइम पहले फ्री फायर में ऑनलाइन था। आईडी बाहर से देखने में तो लग रहा है भाई आईडी के अंदर कुछ चेंजेस आए होंगे। तो जैसे मैं आईडी ओपन करता हूं तो गाइस यहां पर आपको देखने मिल जाएगा इस बंदे का लेवल हो चुका है 75। इसके अलावा 22,000 लाइक, तो लेवल और लाइक्स तो इस बंदे के काफी सही हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बंडल्स की तो गाइस बंडल्स के अंदर भी यहां पर आपको ज़ॉम्बी समुराई बंडल देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा के का बंडल, बंडल तो यहां पर काफी खतरनाक है। लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग बात करें ओवरऑल आईडी की तो देख सकते हो ये बंदा दोनों ही रैंक में हीरोइक पर है। उसके अलावा ये बंदा बैजेस वगैरह भी पूरे कलेक्ट करता है, इसका मतलब ये बंदा गेम में पूरी तरीके से एक्टिव है। चलो फिर इसके बाद में हम लोग बढ़ते हमारे अगले क्लिप की ओर। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो गाइस जो हमारे सीजन 1 वाले प्लेयर थे ये उतरे थे ब्राजीलिया साइड में। तो यहाँ पर इनका जो टीममेट है जो किस टाइम पर ज्ञान भाई थे, तो गाइस वो नॉक हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद में जब ये सामने वाले बंदों को मारने जाते हैं तो गाइस सामने से पूरे 2 बंदे निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर 1v2 हो गया था। तो गाइस यहाँ पर एक बंदे को ये मारने वाले थे, लेकिन जितने में एक बंदे को मार दिया उतने में सामने वाले बंदे ने इनको मार दिया। तो आप लोग देख सकते हो हम मिली इस बंदे की आईडी जिसका नाम था गौरव। तो गाइस ये बंदा उस टाइम पर सिल्वर पे था। तो यहाँ पर हमें इस बंदे की यूआईडी मिल गई थी। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस बंदे की आईडी को मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ, हम लोग चलते हैं गेम के अंदर। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ गेम के अंदर, इस बंदे की आईडी को मैंने सर्च कर दिया। गाइस आईडी को बाहर से देखकर आप लोग क्या लग रहा है, इस बंदे की आईडी में कुछ रेयर बंडल होगा? तो चलो हम लोग आईडी को ओपन करके खुद ही देख लेते हैं। तो गाइस जैसे मैं आईडी ओपन करता हूं यहां पर आपको देखने मिलेगा इस बंदे का लेवल हो चुका है 74। इसके अलावा 16,000 लाइक्स जो कि ठीक ठाक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बंडल्स की तो गाइस यहां पर आपको ये व्हाइट वाले हेयर्स देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा आर्टिक ब्लू का मास्क, फिर है ये इनक्यूबेटर के बनी बंडल की जैकेट, और फिर जैस। इसके अलावा आप लोग इस बंदे की रैंक भी देख सकते हो। गाइस ये बंदा बीआर रैंक और सीएस रैंक दोनों में हीरोइक पर है, मतलब बंदा गेम में तो एक्टिव है। चलो ये आईडी तो आप लोगों ने देख ली है। इसके बाद में हम लोग बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्लिप की ओर। तो गाइस ये वाला क्लिप आप लोग देख सकते हो, ये क्लिप तब का है जब फ्री फायर में ज़ॉम्बी मोड पहली बार आया था। यहां पर आप लोग देख सकते हो ये जो हमारे सीजन 1 वाले प्लेयर हैं ये उतरे थे मिल पर। तो गाइस मिल पे इनके सामने एक बंदा आ जाता है जिसके पास भी हिप हॉप बंडल होता है, और उस बंदे के पास हिप हॉप बंडल के साथ साथ स्कल मास बंडल भी होता है जो कि उस टाइम का सबसे रेयर बंडल था। तो गाइस चलो हम लोग देखते हैं क्या हमारे सीजन 1 वाले प्लेयर इस बंदे को मार पाएंगे या फिर ये बंदा हमारे सीजन 1 वाले प्लेयर को मार देगा। और यहाँ पर मेरे बोलने की देर थी भाई, इस बंदे ने इनको मार भी दिया। यहाँ पर आप लोग इस बंदे की आईडी देख सकते हो, गाइस इस बंदे का नाम था मन जय, और इस बंदे की आईडी आप लोग देख लो उस टाइम पर भी इस बंदे के पास बहुत सारे रेयर बंडल थे। चलो हम लोग आईडी को सर्च करके देखते हैं, क्या पता अब इस बंदे की आईडी और भी खतरनाक हो गई। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आईडी को मैंने सर्च कर दिया है और ये बंदा कुछ टाइम पहले गेम में ऑनलाइन था। गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक नोटिस नहीं किया है तो गाइस ये बंदा कोई और नहीं बल्कि टीएसजी मन है, जिसके यूट्यूब पर अभी 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। गाइस ये बंदा असली वाले टीएसजी आर्मी गिल्ड में, मतलब गाइस आज की वीडियो के अंदर हमें अज्जू भाई के साथ साथ एक और यूट्यूबर भी मिल गया। तो इसी बात पर यार वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो यहाँ पर आप लोग इस बंदे की आईडी देख सकते हो, इस बंदे का लेवल हो चुका है 72। उसके अलावा 30,000 लाइक्स और बंडल्स में यहाँ पर गोल्डन शेड बंडल, गोल्डन एंजेलिक पैंट और ये इनक्यूबेटर वाले आर्टिक का मास्क और गिल्ड वगैरह भी आप लोग देख सकते हो। ये टीएसजी आर्मी गिल्ड है जो कि ओरिजिनल गिल्ड है। मैं आपको बता दूं पहले जो टीएसजी मन है इसके पास भी वी बैच था, लेकिन पता नहीं अभी इस बंदे की आईडी में वी बैच नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो इस बंदे की आईडी भी काफी बढ़िया हो चुकी है। वैसे इस बंदे की आईडी के अंदर गोल्डन हिप हॉप बंडल भी होगा, लेकिन इस बंदे ने अभी उसको पहना नहीं रखा। चलो इसके बाद में गाइस हम लोग बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्लिप की ओर। तो गाइस इस वाले क्लिप के अंदर आप लोग देख सकते हो ये जो हमारे सीजन 1 वाले प्लेयर हैं ये उतरे थे क्लॉक टावर पर। गाइस इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ गए थे। तो गाइस जितने में ये ज़ॉम्बीज को मार रहे थे उतने में सामने से एक बंदा, जिस बंदे के पास कोई गन तो नहीं थी लेकिन उस बंदे के हाथ लोहे के थे, मतलब भाई उस बंदे के पास कला की पावर थी। तो गाइस उस बंदे ने एक ही हेडशॉट में इनको मार दिया। तो यहां पर आप लोग इस बंदे की आईडी देख सकते हो। गाइस इस बंदे के पास सीजन 7 का एलीट पास था। इसके अलावा इस बंदे का गेम प्ले भी काफी सही था, क्योंकि बंदा सामने वाले सभी बंदों
एकदम हेडशॉट मार रहा था यार। इसी बात पर इस बंदे की आईडी सर्च करनी तो बनती है, तो चले फिर मैं आईडी को जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ और हम लोग चलते गेम के अंदर। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आईडी को मैंने सर्च कर दिया और भाई बाहर से देखने में तो लग रहा है इस बंदी आईडी में कुछ ना कुछ खास होगा। बिना देरी कर हम लोग आईडी को जल्दी से ओपन कर लेते हैं। गाइस जैसे मैं आईडी ओपन करता हूँ यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इस बंदे का लेवल हो चुका है 74, इसके अलावा 32,000 लाइक्स जो कि सच में काफी बढ़िया। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें ड्रेसेस की तो गाइस फाइनली भाई आज की वीडियो के अंदर हमें मिल चुका है ऐसा प्लेयर जिसके पास है गोल्डन हिप हॉप बंडल। गोल्डन हिप हॉप के अलावा यहाँ पर है इंजिलिक पैंट, उसके अलावा हिप हॉप के शूज और ये कोबरा के बाल। और बात करें अगर हम लोग रैंक किए तो गाइस ये बंदा बीआर रैंक में हीरोइक पे और सीएस रैंक में भी हीरोइक पर है। इसके अलावा ये बंदा बैजेस भी काफी ठीक ठाक कलेक्ट करता है, मतलब बंदा गेम में एक्टिव तो है। ओवरऑल इस बंदी की आईडी भी काफी बढ़िया आईडी है। तो चलो इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्लिप की ओर। तो गाइस ये वाला क्लिप है फैक्ट्री। इस वाले क्लिप के अंदर आप लोग देख सकते हो गाइस ये जो हमारे सीजन 1 वाले प्लेयर हैं ये फैक्ट्री पर उतरे थे, लेकिन भाई फैक्ट्री पर उतरते ही बंदा इनको मार देता है जिसका नाम था आरएस कार। तो यहां पर आप लोग इस बंदी आईडी देख सकते हो गाइस, इस बंदे पास ये मास्क था, उसके अलावा ये गोल्ड रॉयल का बंडल था और काफी नॉर्मल सी आईडी थी। लेकिन चलो इस बंदे की आईडी हम लोग सर्च करके देखते हैं, क्या पता अभी इस बंदे की आईडी खतरनाक हो गई। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो आईडी को मैंने सर्च कर दिया है, लेकिन भाई ये क्या यार, ये बंदा तो 30 दिन से भी ज्यादा से ऑफलाइन है, मतलब ये बंदा गेम को क्विट कर चुका है। इसके बाद में जैसे इस बंदे की आईडी मैंने ओपन करी यहां पर मुझे देखने को मिला इस बंदे का लेवल था 61, इसके अलावा इस बंदे के 3000 लाइक्स थे। इसके अलावा इस बंदे पास सीजन 3 के गोल्ड का ये टी शर्ट था जो की काफी रेयर है, उसके अलावा ग्रीन वाले शॉर्ट्स और ये कैप्टन बंडल का कैप। लेकिन गाइस यहां पर मुझे एक बहुत ही अजीब चीज देखने को मिली, इस बंदे की आईडी में किसी भी सीजन का कोई भी बैज नहीं था। यार ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने पहले खुद देखा था इस बंदे का सीजन 7 के 149 बैजेस थे, लेकिन अभी इस बंदी आईडी में कोई भी बैजेस शो नहीं कर रहा है। तो आप लोग आपको इस बंदी आईडी कैसे लगी है? तो चलो गाइस इसके बाद में फाइनली अभी बारी आती है उस प्लेयर की जिसका आप लोग स्टार्टिंग से वेट कर रहे हो। गाइस यहां पर मैं बात कर रहा हूं अज्जू भाई की, मतलब की टोटल गेमिंग की। तो चलो मैं आपको उनका सबसे पुराना गेम प्ले दिखाता हूं और यहां पर उनकी वॉइस भी होने वाली है, तो गाइस आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना और अच्छे से सुनना। गाइस ये गेम प्ले उस टाइम का है जब अज्जू भाई के चैनल पर सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स थे और अभी तो आप लोग जानते हो भाई 35 मिलियन हो चुके हैं। गाइस अज्जू भाई का पुराना गेम प्ले आप लोग ये देखो, हम दूसरा को मार रहे हैं, वो पीछे से फिर आया हमारे। हाँ भाई भाई मेरे यार वाईटी की जंग में मेरे को लगता था कि ज्ञान सुजन भी आएगा, ज्ञान भाई भी, तो मैं उसके लिए खेला था वाईटी की जंग। मैंने खेला ज्ञान भाई आएगी, ज्ञान भाई आएगी, तो मेरा वही मकसद था कि ज्ञान भाई अगर उतरेगे तो किसी को मारू या ना मारू पर ज्ञान भाई को मारना है। पर ज्ञान भाई एक भी मैच नहीं खेले, लेकिन वो तो कस्टम में स्पेक्टर में थे ना ज्ञान भाई, स्पेक्टर में थे ना ज्ञान भाई, उसमें वो खेलेगे ना तो मेरे को उसको मारने का है एक बार। वो बहुत प्रो प्लेयर है, अगर मैं मेरे उसको मार दूंगा तो मेरे को भी फीलिंग आएगी थोड़ी प्रो वाली। कट करके रखूंगा फोटो। ओके चलो एक और गया। तो गाइस अभी आप लोगों ने ये जो गेम प्ले देखा ये था अज्जू भाई का बहुत ही पुराना गेम प्ले। गेम प्ले तो आप लोगों ने देख लिया है, इसके बाद में बारी आती है अज्जू भाई की फर्स्ट आईडी की। तो गाइस आप में से ज्यादातर बंदों को ये आईडी अज्जू भाई की फर्स्ट आईडी लगती होगी, लेकिन क्या होगा अगर मैं आप लोगों से बोलूं ये आईडी अज्जू भाई की फर्स्ट आईडी नहीं है? चलो फिर मैं आपको अज्जू भाई की फर्स्ट आईडी दिखाई देता हूं। तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ये जो आईडी देख रहा हो ये है टोटल गेमिंग, यानी अज्जू भाई की फर्स्ट आईडी। तो गाइस ये आईडी अभी तो ऑफलाइन रहती है, लेकिन इस आईडी से पहले अज्जू भाई खेलते थे, तो इस आईडी के अंदर लेवल और लाइक्स तो कम है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं ये आईडी सीजन 3 की है और इसी आईडी से अज्जू भाई ने फ्री फायर को खेलना स्टार्ट किया था। और इस आईडी के मैंने स्टैट्स भी चेक करे तो गाइस इस आईडी के स्टैट्स तो ये पता लग रहा है अज्जू भाई पहले जो थे वो फ्री फायर वो काफी ठीक ठाक खेलते थे, मतलब वो अच्छे प्लेयर थे। और उनका अभी का गेम प्ले तो आप लोग जानते हो, अभी भी अज्जू भाई काफी बढ़िया खेलते हैं। गाइस आप लोग बताना आपको अज्जू भाई की फर्स्ट आईडी और उनका पुराना गेम प्ले कैसा लगा। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना और भी ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।